बोल तो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा और हमारे साथ हैं इंडिया निवेश कमोडिटीज के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। मनोज जी, आज अगर हम बात करें मसाला इस कॉम्प्लेक्स की, तो सभी ने अच्छी बढ़त बनाई है, जीरा हो, हल्दी हो, धनिया हो, लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे धनिया पर। धनिया में आपका क्या व्यू लगता है, जिस तरह आज उसने काफी अच्छी मजबूती दिखाई? नमस्कार कमल जी, बिल्कुल पिछले दिनों जैसी अपनी बात हुई थी और स्पेशली मैंने दो मसालों के ऊपर फोकस किया था, एक तो धनिया और एक हल्दी जी, और लिहाज से आज दोनों ही मसालों में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। हल्दी में भी ऊपर की सर्किट देखने को मिली काफी दिनों के बाद, लेकिन धनिया में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली और जून वायदा लगभग 7,500 के आसपास जो है उसने लेवल आज टेस्ट किए हैं। तो मेरा मानना है कि ये एक नई तेजी की शुरुआत हम कह सकते हैं धनिया में, और यहाँ पे बढ़त जो है अभी जारी रह सकती है। इसके पीछे अगर फंडामेंटल कारणों की बात करें तो जो गत जो फसल थी वो कमजोर थी लगभग 30%, जैसा कि खबरें निकल कर आ रही थी। दूसरा, जो क्वालिटी थी वो भी उतनी अच्छी नहीं थी जी, और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा करी थी कि जो पियर कंट्रीज है, चाहे वो रशिया हो, बुल्गारिया हो, यूक्रेन हो या और भी कंट्रीज हो, वहाँ की भी फसल इस बार कमजोर थी। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी तेजी बनने का एक मुख्य कारण आज देखने को ये मिला कि कल जो मौसम की जो प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट, उसके कल अनुमान निकल कर आए थे और उन्होंने बोला था कि जो मौसम है वहाँ पे बारिश में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, और जो अनुमान उन्होंने जताया है अब कि लगभग 93% जो है बारिश रह सकती है जी। और उनसे सेप्टेम्बर के महीने में एक डेफिशिएंसी जो है देखने को मिल सकती है। स्पेशली उन्होंने जो कंसर्न दिखाए हैं वो मध्य जो भारत है वहाँ पे उनकी बड़ी कंसर्न है, और देखा जाए तो ये एक धनिया की जो है बड़ी बेल्ट भी है, चाहे वो मध्य प्रदेश का एरिया हो या राजस्थान का कुछ एरिया हो या आपका गुजरात का एरिया हो, तो इस एरिया में अगर अगली क्रॉप के हिसाब से फिर बारिश कम होती है तो सीधा सीधा फायदा जो है खरीफ की क्रॉप धनिया को मिलेगा। तो उस लिहाज से जो है यहाँ पे एक बढ़त देखने को मिली। मेरा मानना है कि बढ़त जारी रह सकती है, 7,500 जो है क्रूशल लेवल है, तो मेरा मानना है कि कल वो लेवल पार होना चाहिए जी। और उस ऊपर जैसे ही कीमतें निकलती है तो फिर एक बार 7,840 जो है जून वायदा दिखा सकता है। तो अगर किसी का बाइंग का पोजीशन है तो यहाँ पे 7,380 के स्टॉप लॉस से एक बार होल्ड करना चाहिए ऊपर में 7,840 तक के स्तरों के लिए। सर, जब 7,840 के स्तर पे आता है मान लीजिए, तो एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए, वहाँ मुनाफा वसूली करें या अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो उसे बने रहना चाहिए, क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो? लॉन्ग टर्म में व्यू अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन 7840 जो है क्रूशल रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे थोड़ी सी कीमतें एक बार ठहर सकती है। लेकिन अगर लंबी अवधि की बात करें, अगर यहाँ पे 3 से 4 महीने की अगर बात करें, तो मेरा मानना है कि जो बढ़त है वो आगे भी जारी रहेगी और 7,840 के स्तर पार होने के बाद फिर यहाँ पे नए जो है स्तर फिर से देखने को मिलेंगे, और उस दशा में जो है कीमतें एक बार कहीं ना कहीं 8,350-8,400 तक का रुख भी जो है दिखा सकती है। तो 7,840 काफी क्रूशल लेवल है, उसके ऊपर कीमतें निकलेगी तो मेरा मानना है कि यहाँ पे 8,400 तक के स्तर भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटीज जो है 7,840 के स्तर पार होने के बाद जो है बन सकती है। तो जिनकी लंबी अवधि का नजरिया है वो 7,840 के बाद भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो छोटी अवधि के निवेशक हैं उनको वहाँ पे एक बार 50% तो एटलीस्ट मुनाफा वसूली करना चाहिए, और बची हुई 50% के लिए आगे 2 से 3 महीने के लिए अगर इंतजार कर सकते हैं तो करना चाहिए। मेरा मानना है कि कीमतें लंबी अवधि में एक बार 8,400 तक के स्तर भी जो है धनिया में दिखाएगी इस बार जी। धन्यवाद मनोज जी।